हेल्थ में बहुत कम हुआ यहाँ में अगर आप देखिए देखना पड़ता है आपको देखना पड़ेगा रख देंगे एक गंडासरा में एक अम्बासा में एक सब रूम में फाइव के तरफ ऐसे करके सब जगह में तो हाँ यहाँ में भी होगा और एक अगरतला का तरफ भी रख देगा तो क्या होगा कि सब जगह में जाके ये हम लोग महीने में 1000 पेशेंट को टेस्ट कर रहे हैं 1000 पेशेंट एक महीने के अंदर मोबाइल मेडिकल यूनिट पे तो आप अगर पाँच आ गया 1387 तो अगर और ये टाइम आपके लिए सुविधा के लिए एसी किया है पांचों गाड़ी एसी है तो ऐसा होगा तो हाँ नहीं हमको जानता कि बहुत आपको हमारे फाइव टेली हब हो रहा है पांच एम्बुलेंस आ रहा है और टेली ऑप्टोलॉजी अभी और हम लोग ब्लड बैंक भी शुरू कर रहे हैं देखो आप लोग सब लोग बोलते हैं ना कि हम लोगों को जीबी जाके ब्लड नहीं देना है अब हम लोग ब्लड बैंक वर्ल्ड क्लास ब्लड बैंक खोल रहे हैं और आप लोग तब हर हफ्ता या हर महीना में यहाँ से जाके अपना की प्रसा के लिए आप खून भी दे सकता है उसमें एचआईवी टेस्टिंग भी है तो अगर वो क्योंकि आजकल ड्रग्स का प्रॉब्लम बहुत है वो भी है ये हम लोग कर रहे हैं हमने कर दिए और हम नहीं बोल रहे हैं कि चार साल बाद हम बोल रहे हैं दो तीन महीने के अंदर आप बोल दीजिए ना मीडिया को पार विद द बेस्ट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए लेकिन प्राइसिंग हमारे पिपरासा के लिए कम दाम में होना चाहिए हाँ जो बांग्लादेश से आएंगे जो बाहर से आएंगे उनको आप नॉर्मली चार्ज कीजिए लेकिन हमारे पिपरासा लोगों को जो त्रिपुरा के हैं उनको थोड़ा सा कम दाम में सब्सिडाइज करके आप दीजिए ये टर्म्स एंड कंडीशन में हमने से बात किया है आप हाँ आपसे और एक बात बात करना था कि हमने अब ब्लड बैंक का खोलने का भी कोशिश की है हमने वन ऑफ द बेस्ट आप जानते हैं कि हमारा कोलैबोरेशन चल रहा है विद अपोलो ये सब आप देखेंगे तो हमने उन्हीं के सलाह से हमने एक्सरे मशीन इन खैरंगाबाद और अब ब्लड बैंक के लिए भी हमने बात किया है ब्लड बैंक आज तक मुझे हमेशा बहुत लोगों ने बोला है कि हमको अगरतला जाकर खून नहीं देना है हमको एडीसी के अंदर ही जाके ब्लड डोनेट करना है तो हम एक वर्ल्ड क्लास ब्लड बैंक शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं मैं नहीं बोल रहा हूँ 6 महीना 10 महीना 1 साल मैं अगले 3 महीने के अंदर ही बात कर रहा हूँ कि एक वर्ल्ड क्लास ब्लड बैंक खोले वहाँ में आपको कोई भी टाइम अगर खून का ज़रूरत हो तो आपको मिल सकता है एचआईवी टेस्टिंग होगा वहाँ में क्योंकि हमें बहुत चिंता है क्योंकि यहाँ में ड्रग्स का यूज़ बहुत बढ़ गया है और जहाँ कोई भी ब्लड डोनेट करे तो एचआईवी टेस्टिंग उसमें होना चाहिए टॉप ऑफ द लाइन होना चाहिए तो ये वर्ल्ड क्लास ब्लड बैंक भी हम लोग खैरंगाबाद में अभी जल्द से जल्द खोलेंगे हम इसमें हम चाहते हैं कि हेल्थ में क्योंकि हमारे पास फंड्स का प्रॉब्लम है हमारे पास कंस्ट्रेंट्स है क्योंकि हम स्टेट गवर्नमेंट तो है नहीं लेकिन हेल्थ के लाइन में हमको लगता है कि हमने अच्छा काम किया है और मैं मीडिया से सिर्फ कोऑपरेट करना चाहता हूँ आप हमसे कोऑपरेट कीजिए कहीं में अगर गलती भी हो रहा है तो आप हमें बताइए क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हेल्थ का इशू आता है जब मेनिनजाइटिस क्योंकि आप देखेंगे थालचरा मानिकपुर ढलाई बहुत जगह में मेनिनजाइटिस मलेरिया का बहुत प्रॉब्लम आता है तो उस समय हमें नहीं देखना है कि आप कौन से पार्टी के हो कौन से जाति के हो आपने किसको पसंद किया किसको नहीं पसंद किया व्हेन इट कम्स टू हेल्थ जब कोविड हुआ था हमें सबको हेल्प किया बंगालीज हो मुसलमान हो ट्राइबल्स हो सबको हेल्प किया इसमें भी हम सबको हेल्प करना चाहते हैं हम इसमें जाति धर्म देकर काम नहीं करना चाहते मैं सबको हेल्प करना चाहता हूँ इसमें टेली हब और पांच आ रहे हैं हाँ हमारे हेल्प टीम ने अभी जैसा बताया है कि हम और पांच टेली हब का स्टार्ट करते हैं अभी देखिए इससे पहले हमारे जो भी गवर्नमेंट आया था उन्होंने बिल्डिंग्स बहुत बनाया लेकिन बिल्डिंग में रेस्ट हाउस बनाया सर्किट हाउस बनाया वहाँ में कुछ नहीं होता था सिर्फ अड्डाबाजी होता था तो हम लोग ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि बहुत जगह में जहाँ में पहले से बिल्डिंग है नया बिल्डिंग बनाकर उसका और पैसा कॉन्ट्रैक्टर को देकर कोई दरकार नहीं है जो बिल्डिंग है उसको मरम्मत करके अपोलो के संग लोग टेली मेडिसिन हब स्टार्ट कर रहे हैं तो मतलब है कि अगर और वो उसमें मेडिसिन भी फ्री दिया जाएगा बेसिक जो मेडिसिन होता है
इसमें क्या होगा कि बहुत लोगों को जिसको प्रॉब्लम है उनको डायरेक्टली अगरतला आने का दरकार नहीं, घूमरोग आने का दरकार नहीं। अगर उनका ट्रीटमेंट वहाँ में हो सकता तो वहाँ में होगा, अगर वहाँ में नहीं हुआ तो खैरिंगबार में होगा, और खैरिंगबार में नहीं हुआ तब हम लोग कहीं और ले जाएंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये पांच टेली मेडिसिन हब हो रहा है, और इसमें भी अपोलो ने हमें हेल्प किया है। अपोलो आप जानते हैं कि वर्ल्ड फेमस है, इंडिया में नंबर वन है, तो इसमें हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। हमने हमारे कम पैसे में भी हमने अपोलो के संग टाइप करके अब पांच टेली मेडिसिन हब हम लोग स्टार्ट करेंगे। कंचनपुर में हम लोग ने बात किया है, छामनो में हमने बात किया, छामनो अगर बहुत वहाँ में प्रॉब्लम है, गंडतुईसा में हमने बात किया है, शिकारी पारी में जो पहले से हमारा पीएचसी था हम लोग वही में कर रहे हैं, और तुई कर्मो में भी हम लोग कर रहे हैं, वीर चंद्रपाली। तो ये सब हम लोग ने किया है, और आने वाले दिन में अगर और पैसा आया तो हम लोग और 5-10 जगह में करने की कोशिश करेंगे। मुंगिया में भी करना, मुंगिया में तो 100% करना है। मुंगिया में तो ये तो राजधानी है त्रिपुरा का, कैपिटल बनना चाहिए। मेरा तो अगर कुमुलुंग पॉलिटिकल कैपिटल है तो मुंगिया को फाइनेंशियल कैपिटल, हेल्थ कैपिटल, एजुकेशन कैपिटल बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक मुंगिया डेवलप नहीं होगा आप लोग सिर्फ वेस्ट में डेवलप करने से कुछ नहीं होगा। मुंगिया को तो डेवलप 100% करना है। मैं आज हमारा जो प्रोग्राम है कवर किया है, महाराजा वीर विक्रम का आज जन्मदिन है और हम सब यहाँ में आए हैं। इससे पहले मैं किला में था, अब वापस अगरतला जाऊँगा, वहाँ में भी 2 प्रोग्राम है। लेकिन आज महाराजा वीर विक्रम के जन्मदिन में यहाँ में एक आई टेस्टिंग का भी एक क्लिनिक हुआ है, और अगर आप देखेंगे यहाँ में तो ये सब मटेरियल्स जो है ये वर्ल्ड क्लास प्रॉपर मटेरियल्स है, जिससे आपका आई स्क्रीनिंग जो बात नहीं कर सकते उनके लिए एक अलग टेक्नोलॉजी, जिसको सर्जरी चाहिए उसके लिए अलग, उनका नाम नंबर डिटेल, उनके उनको चश्मा भी हम अब फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, और अगर किसी को सर्जरी है तो कैटरेक्ट सर्जरी का दरकार है तो वो भी हम कोलैबोरेशन करके फ्री में करने की कोशिश करेंगे आने वाले दिन में। और मेडिकल में हमने अगर ADC में कोई सवाल पूछ सकता कि क्या हुआ, आई थिंक मेडिकल फील्ड में, हेल्थ फील्ड में हमारा काफ़ी अच्छा काम रहा है। मोबाइल मेडिकल यूनिट जो हमने शुरू किया, 1 महीने में 1,387 पेशेंट्स को हमने देखा फ्री में, उनका चेकअप कराया, उनका उनको दवाई दिया, उनको उनको रेफर कराया। अब हम और 5 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स ला रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ कुमुलुंग में नहीं होना चाहिए, सब चीज़ सदर और वेस्ट में नहीं होना चाहिए। कंचनपुर है, गंडतुईसा है, हमारा ख्वाई एरिया है, हमारा छामनु है, वीर चंद्रमनु है, साउथ में जुलाई बारी है, तो ये सब एरिया में भी हमें अपना शिकारी बारी में है अपना प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो हम लोग चाहते हैं कि ये मोबाइल मेडिकल यूनिट, अगर एक मोबाइल मेडिकल यूनिट ने 1,387 पेशेंट को देखा है, अगर 5 आ जाएगा और एडिशनल, तो 6,000-7,000 को अगर आप ट्रीटमेंट फ्री दे सकते हैं, आपको हॉस्पिटल नहीं आना, वो आपके सब जोनल में आ जाएंगे, वो आपके स्कूल में आके आपका ट्रीटमेंट कराएंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि एक चीज़ जो TT ADC में अच्छा बहुत हुआ है वो है हेल्थ में। स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ के संग टाइप नहीं कर पाई, लेकिन हमने अपोलो के संग कर दिए। आज अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी है कि जो भी आई टेस्टिंग हो रहा है इसका पूरा डेटा डायरेक्टली अपोलो हॉस्पिटल में जा रहा है। ये एक नया टेक्नोलॉजी हमने लेके आया है। इसके बाद हम लोग एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं, हम लोग ने टाइप बात किया है टू टॉक टू इविक्स हेल्थ, और वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हमारे कुमुलुंग में लेकर आएंगे। उसमें आप डायग्नोस्टिक सेंटर भी टॉप रहेगा, उसमें न्यूरोलॉजी रहेगा, कार्डियोलॉजी रहेगा, सब आप ऑन्कोलॉजी भी देख लीजिए। तो ये सब चीज़ में ये हमारा एक वर्ल्ड क्लास सेटअप होगा। और हाँ, हमने उनको कहा है कि प्राइसिंग आपको ILS से नीचे रखना पड़ेगा,